हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल एंट्रेंस वाला और एट द रेट डॉक्टर आलम। आई एम मोहम्मद उवैस आलम, सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो कल जो मैंने वीडियो डाली थी सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस के ऊपर, जिसमें मैंने बताया था कॉलेज वाइज कट ऑफ क्या रही थी ऑल इंडिया कोटा से उन कॉलेजेस की, तो उसमें काफ़ी लोगों का कमेंट आया था कि डीम्ड यूनिवर्सिटी के ऊपर भी जो एक सेपरेट वीडियो बना दीजिए जिसमें कॉलेज वाइज कट ऑफ क्या रही थी लास्ट ईयर, वो बता दीजिए, जिससे एक आइडिया हो जाए इस साल के लिए कि किस रैंक तक अगर आपको ऑल इंडिया रैंक है तो डीम्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है। जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए बता दूं कि डीम्ड यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन मिलता है वो आपको ऑल इंडिया कोटा के थ्रू मिलता है, यानी जो आयुष की वेबसाइट है AAACCC, जिसका अभी रजिस्ट्रेशन इस साल के लिए नहीं हुआ है। एक्सपेक्टेड है कि 1 अगस्त तक शुरू हो जाएगा, अभी जो है उसका नोटिफिकेशन नहीं आया, जैसे ही आएगा मैं आपको वीडियो के थ्रू बता दूंगा। तो जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन होगा वो तो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू होगा। ऑलरेडी मैं इस पर डिटेल वीडियो बना चुका हूँ कि आपको आयुष काउंसलिंग करनी है तो उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस बता चुका हूँ कि अगर आपको डीम्ड में एडमिशन लेना है तो कैसे मिलेगा, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो कैसे मिलेगा, सेमी गवर्नमेंट में लेना है तो कैसे मिलेगा और प्राइवेट में लेना है तो कैसे मिलेगा, वो पूरा मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप अगर नहीं देखे हैं तो उसको जाकर देख लें। तो आज जो है मैं बताऊँगा इस वीडियो में कि जितने भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं BAMS BUMS और BHMS की, सभी की कॉलेज वाइज कट ऑफ क्या रही थी लास्ट ईयर। तो अभी जो पहले यूनिवर्सिटी है BAMS के लिए वो है KLE यूनिवर्सिटी श्री BM कंकवादी आयुर्वेद महाविद्यालय पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर कर्नाटका के अंदर। तो अभी जो इसकी कट ऑफ रही थी लास्ट ईयर वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो KLE यूनिवर्सिटी के लिए जो लास्ट ईयर रही थी ओपनिंग रैंक थी 134,180 से 463,528 तक, ये इस रैंक के बीच में अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक है तो आपको जो है कॉलेज मिल गया था लास्ट ईयर। तो अगर इस साल भी आपकी ऑल इंडिया रैंक इसके आसपास है या फिर 2-3 हज़ार भी अगर ऊपर है तब भी अपने आप को सेफ मान सकते हैं। और ये जो रैंक दी है आप देख लें, ये ऑल इंडिया रैंक है, इस रैंक तक अगर आपकी है तो ये डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ आपको मिल जाएंगी। और इससे जो अगली वीडियो रहेगी मैं उसमें आपको बता दूंगा कि जितने भी सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनकी फ़ीस क्या है कॉलेज वाइज, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा था कि उन जो सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनकी फ़ीस क्या है, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। तो अगली वीडियो में आपको बता दूंगा, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अब यहाँ पर आप देखेंगे सिर्फ ओपन दिख रहा है, उसके अलावा कोई और कैटेगरी इस कॉलेज के लिए नहीं दिख रही, मतलब इस डीम्ड कॉलेजेस के लिए कहीं पर भी आपको कोई और कैटेगरी नहीं दिखेगी, सिर्फ ओपन। ओपन का मतलब मैं आपको बता दूँ जनरल होता है, आप चाहे किसी भी कैटेगरी के हों यहाँ पर आपको जनरल की तरह ट्रीट किया जाता है। इस ऐसा इसलिए है क्योंकि जितने भी डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं या फिर प्राइवेट कॉलेजेस हैं वहाँ पर जो है रिजर्वेशन कैटेगरी वाइज नहीं होता है, आपको जनरल की तरह ट्रीट किया जाता है चाहे किसी भी कैटेगरी से आप हों। तो ओपन कैटेगरी में सबको रखा जाएगा, चाहे आप OBC हों, SC हों, ST हों, EWS हों, तो आपको ओपन की तरह ट्रीट किया जाएगा। और अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक ये है इसके आसपास तक है तो आपको ये यूनिवर्सिटी मिल सकती है। अगला जो आता है, अगली जो डीम्ड यूनिवर्सिटी आती है आयुर्वेदा की, वो है येनोपोया आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज मंगलूर कर्नाटका के अंदर। इसकी जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक रही थी लास्ट 862,654 तक आपको मिल गया था। और यहीं पर एक और दूसरा भी इसका ऑप्शन आ रहा है, लेकिन यहाँ पर दो ऑप्शन क्यों है इसका आइडिया मुझे पूरा है नहीं, लेकिन इन दोनों में कोई एक रहा होगा। अब ये जो लिस्ट है ये ऑलरेडी जो AAACCC की वेबसाइट पे लास्ट ईयर की कट ऑफ निकाली थी उसी से मैं ये डाटा दे रहा हूँ, कोई भी मतलब रेंडम डाटा नहीं है। ये PDF जो है ऑलरेडी मैं टेलीग्राम पर डाल चुका हूँ, अगर आप टेलीग्राम पर नहीं हैं तो जाके ज्वाइन कर लें और यहाँ से आप खुद भी वेरीफाई कर सकते हैं कॉलेज वाइज क्या कट ऑफ रही थी। तो अगर 862,654 के आसपास अगर आपकी है तो ये डीम्ड यूनिवर्सिटी आपको मिल जाएगी। अगली जो डीम्ड यूनिवर्सिटी आती है BAMS की, वह है अमृता स्कूल ऑफ आयुर्वेदा। इसकी जो क्लोजिंग रैंक रही थी वो रही थी 1,39,336 रैंक तक, अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक है तो आप किसी भी कैटेगरी से हों ये आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। अगली जो BAMS की डीम्ड यूनिवर्सिटी आती है वो है भारतीय विद्यापीठ डीम्ड यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र पुणे। इसमें जो लास्ट रैंक तक कॉलेज मिला था वो थी 1,41,263 तक, अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक है तो इसके आसपास तक आपको कॉलेज ये मिल जाएगा। उसके बाद जो अगली डीम यूनिवर्सिटी BAMS के लिए आती है वो है डॉक्टर DY पाटिल कॉलेज ऑफ आयुर्वेद एंड रिसर्च सेंटर पुणे महाराष्ट्र में। इसकी जो लास्ट ईयर कट ऑफ रही थी वो थी 974,033 तक, अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक थी तो लास्ट ईयर ये कॉलेज उस रैंक तक मिल गया था। अब अगली जो डीम यूनिवर्सिटी आती है वो है पद्मश्री डॉक्टर DY पाटिल कॉलेज ऑफ आयुर्वेद एंड रिसर्च सेंटर, ये भी डीम्ड यूनिवर्सिटी जिसकी लास्ट ईयर कट ऑफ रही थी 905,560 तक, ये कॉलेज जो है लास्ट ईयर मिल गया था और ये ऑल इंडिया रैंक चल रही है इधर। और जिन लोगों को नहीं पता उसके लिए बता दूं डीम्ड यूनिवर्सिटी जो है प्राइवेट की तरह ही होती हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस ये रहता है कि इनमें जो
रूल्स एंड रेगुलेशंस है ये खुद के चलाते हैं, डायरेक्ट मिनिस्ट्री के अंदर कोई भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस इनके साथ नहीं होता है। अगला जो डीम्ड यूनिवर्सिटी बीएमएस की आती है वो है महात्मा गांधी आयुर्वेद कॉलेज एंड हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर महाराष्ट्र में। इसकी भी जो लास्ट ईयर क्लोजिंग रैंक रही थी वो रही थी 10,37,142 रैंक तक आपको ये कॉलेज मिल गया था लास्ट ईयर, और मोस्टली वेरिएशन ऑल इंडिया रैंक में नहीं आता है, तो इसके आसपास तक अगर आपकी रैंक है तो अपने आप को सेफ मान सकते हैं। अब उसके बाद जो लास्ट डीम्ड यूनिवर्सिटी आती है बीएएमएस के लिए वो है श्री जयेंद्र सरस्वती आयुर्वेद कॉलेज तमिलनाडु के अंदर। इसमें जो लास्ट ईयर ऑल इंडिया रैंक रही थी क्लोजिंग 983,440 तक आपको ये कॉलेज जो है मिल गया था, जो कि एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है बीएएमएस के लिए। तो जितने भी बीएएमएस के कॉलेज हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। अभी मैं आगे बताता हूँ आपको जो बीएएमएस और बीएचएमएस की डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी क्या कट ऑफ रही थी लास्ट ईयर। तो यहाँ पर बीएचएमएस के लिए अगर डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की बात की जाए तो सिर्फ दो ही हैं, एक है मेघालय के अंदर, एक है वेस्ट बंगाल के अंदर, जो नहीं सॉरी ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हैं टोटल 7, जिसमें एक है गुजरात के अंदर, 2 हैं कर्नाटका के अंदर, 1 राजस्थान के अंदर, 2 महाराष्ट्र के अंदर और 1 तमिलनाडु के अंदर। ये हैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ टोटल। अब इनकी कॉलेज वाइज कट ऑफ क्या रही थी बीएचएमएस के लिए लास्ट ईयर ऑल इंडिया कोटा से, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि डीम्ड यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन होता है वो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू ही होता है। अब कॉलेज वाइज जो है आपको मैं दिखा देता हूँ क्या कट ऑफ रही थी लास्ट ईयर। तो बीएचएमएस के लिए जो पहला है वो है सुमनदीप विद्यापीठ होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। इसकी जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक रही थी लास्ट ईयर 6,95,764। अब यहाँ पर भी 2 इन्होंने दिए इस कॉलेज के बारे में, इसका पूरा आइडिया मुझे नहीं है, लेकिन 2 में कोई एक ही रहा होगा शायद, या फिर 2 होगा तो अलग अलग राउंड का रख दिया होगा इन्होंने या तो। तो दूसरा जो है यहाँ पर लास्ट रही थी 10,52,154 ऑल इंडिया रैंक तक आपको ये बीएचएमएस का कॉलेज ऑल इंडिया से मिल गया था लास्ट ईयर। अगला जो बीएचएमएस का डीम्ड यूनिवर्सिटी आती है वो है केएलई यूनिवर्सिटी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कर्नाटका के अंदर। इसकी जो लास्ट कट ऑफ रही थी 10,52,935 तक आपको ये कॉलेज डीम्ड यूनिवर्सिटी मतलब बीएचएमएस की मिल गई थी। अगला जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है होम्योपैथिक की वो है येनोपोया होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज कर्नाटका के अंदर। इसकी जो लास्ट ईयर कट ऑफ रही थी 9,72,394 और दूसरा यहाँ दिखा रहे हैं 9,09,505। तो अगला जो डीम्ड यूनिवर्सिटी आती है होम्योपैथिक की वो है राजस्थान विद्यापीठ होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज उदयपुर राजस्थान। इसकी लास्ट ईयर जो कट ऑफ रही थी क्लोजिंग वो थी 9,80,785। तो इस रैंक के आसपास अगर आपको है तो आप इसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो अगला आता है वो है भारतीय विद्यापीठ होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज महाराष्ट्र के अंदर। इसमें जो लास्ट ईयर क्लोजिंग रैंक रही थी वो रही थी 10,30,540। इसके आसपास आपकी ऑल इंडिया रैंक है तो अपने आपको सेफ मान सकते हैं, ये यूनिवर्सिटी आपको मिल जाएगी। अगला जो कॉलेज आता है वो है डॉक्टर डीवाई पाटिल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर महाराष्ट्र के अंदर। इसकी जो लास्ट ईयर क्लोजिंग रैंक रही थी वो थी 8,37,602। तो अब लास्ट जो बीएचएमएस का कॉलेज है डीम्ड यूनिवर्सिटी वो है विनायक मिशन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज तमिलनाडु के अंदर। इसकी लास्ट ईयर जो क्लोजिंग रैंक रही थी वो थी 10,45,316। अगर इन सब के आसपास आपकी ऑल इंडिया रैंक है तो अपने आप को सेफ मान सकते हैं, ये डीम्ड यूनिवर्सिटी आपको मिल जाएंगी। ये हो गया यहाँ पर बीएचएमएस भी कंप्लीट। फिर बात आती है बीओएमएस की, तो बीओएमएस में सिर्फ एक ही डीम्ड यूनिवर्सिटी है वो है फैकल्टी ऑफ मेडिसिन यूनानी जामिया हमदर्द दिल्ली के अंदर है। तो इसकी कट ऑफ बता देता हूँ, और सिद्धा में कोई भी डीम्ड यूनिवर्सिटी वगैरह नहीं है तो इसकी भी देख लीजिए। अब यहाँ पर जो जामिया हमदर्द की बीओएमएस के लिए ओपन से कट ऑफ रही थी लास्ट ईयर वो थी 7,89,078 तक। अब ये शायद 3 राउंडों की रही होगी क्योंकि यहाँ पर तो क्लियर दिया नहीं है, और तीनों ओपन के लिए दिखाया है क्योंकि जितने भी डीम्ड यूनिवर्सिटी होते हैं वहाँ पर कोई और भी कैटेगरी का नहीं लगता है, सिर्फ और सिर्फ ओपन से ट्रीट किया जाता है। तो यहाँ पर फिर सेकंड राउंड में, यहाँ अलग राउंड में दिखा रहे हैं 2,36,000, 2,94,000। तो आप फाइनल माने तो इसी को मान लीजिए, 7,89,078 तक अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक है तो ये कॉलेज आपको मिल जाएगा। तो ये सब थे डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, जितनी भी थी मैं सब कवर कर दिया, कॉलेज वाइज कॉलेज क्या कट ऑफ थी इनकी। इसके अलावा आपका कोई डाउट रहता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। और जो अगली वीडियो रहेगी वो रहेगी कि जो सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस मैंने कल बताए थे उनकी जो फीस है वो क्या होगी, कॉलेज वाइज फीस आपको बता दूंगा अगली वीडियो में। जब तक के लिए आप चैनल के साथ बने रहें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक यू।